नमस्कार और स्वागत है आपके मेरे इस नए वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं अभी MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आपको अगर रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट देखनी है तो यहाँ पे मोर सेक्शन में जा करके, और यहाँ पर फिर आपको दिखेगा नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वैकेंसी सबसे नीचे आपको वैकेंसी दिखेगी, इस पर क्लिक करके आप अपडेट देख सकते हो। एक वीक के अंदर आंसर की रिलीज कर देने वाला IB अभी तक Tier 1 का रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पाया है। बड़े ही अफसोस की बात है, और बहुत सारे कैंडिडेट इसकी वजह से अपना Tier 2 की प्रिपरेशन भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा वो आपने सब्सिडरी जोन वाइज या स्टेट वाइज किया होगा, लेकिन जितने भी आपके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS हो गया, NCL हो गया, तो ये सारे जो है आपको फुलफिल करने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रिटेरिया को। बात को समझ रहे हो, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, EWS या NCL, जो भी जितने भी सर्टिफिकेट बनते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा, वो सारे सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे बने होने चाहिए। नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में आपको हर एक सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो जो आपने सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा लिया है तो एक बार मैच कर लीजिएगा कि सेम फॉर्मेट में वो आपका सर्टिफिकेट है या नहीं है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।